कोगो चीज अपने हाथ के ना हो, कहिया ले जियल जाई, कब मरल जाई, कब जस होगा, कब अबजस होगा, और कब हानि होगा, कब लाभ होगा, ये किनके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में है। बड़ा गौर से सुनिएगा। भरत जी कहले तका करी, वशिष्ठ जी कहले कुछ न कर, लाश उठाव, अपना पिता के चल के दाह संस्कार कर, दाह संस्कार कर। आज ये घर में है, ये घर में पूरा घर भरल बा, लेकिन जौनो बुढ़िया के बेटी जौन आयल बड़ी यहाँ के बहिन, वो लड़किन के कुछ दिखाई ना देत हो, ये दिखाई देती माई मर गए। माई, माई शब्द के अलावा और कुछ ना। अबे बतौली हाँ कि माई के दाह कब भौजाई ना पूरी है। तीन गो चीज एक बेर मिलेला। आ इतना जोरदार कथा बा, ध्यान से सुनब। अच्छा तो महिला के यहां जितनी माताएं बहने बैठी हैं आप लोग, बेटा पर कबो धधाए के ना चाहिए ना। अगर धधाना है, प्रसन्न होना है, तो हस्बैंड पर प्रसन्न हो, पति पर कबो धधा। मर्दे के चलते जौन मन करे कपड़ा किनवा लो, मर्दे के चलते जौन मन करे गहना पहिर लो, मर्दे के चलते जौन मन करे घूम ले जहां मन करे। बेटा तो ऊ करता ना, माई के रोले आड़ ना बा। सभे नहीं के लिखा बेटा ना हो कि माई के मोले में कथा कराई। बासमती देवी के है रावरिया 501 रुपया, 43 हजार बरिया रे। धर्मेंद्र सिंह आ गए 100 रुपया। बड़ा सुंदर भाव बा, कथा के ध्यान दीजिएगा। प्रवचन तो आप लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन अयोध्या कांड की सुपर स्टार कथा मैं बता रहा हूं। गुरु वशिष्ठ जी कहले भरत पहले बांस कटवाब, आ बांस कटवा के अपना पिता के कफन मंगा के आई लाश लपेट के ले चलो पहले दाह संस्कार राजघाट पर अयोध्या में कर। हमरो पिताजी के दाह संस्कार अयोध्या में भई। मिंकू सिंह भैया के तरफ से 100 रुपया बताली भी ज्यादा बढ़िया रहे। बड़ा सुंदर भाव है, गौर से सुनिएगा। लाश लेके जब चले लगले भरत जी, रामानंद सागर जी जो रामायण रचे हैं ना, इसमें दोहावली में छंद दिया गया है, रविंद्र जैन जी की आवाज है। रामानंद सागर जी जो रामायण रचे हैं, ये छंद मैं जो बोल रहा हूं, तुलसी बाबा दोहावली का छंद लिखे हैं कि बालेपन में पिता पुत्र को अरले कान्हे दुलरावे हो। छोटहन लड़का बा, छोटहन है, छोट लड़का जब बारे ना तो कितनों रिसियाह बाप बड़े, अगर कान्हे पर टट्टी कह दे तो मरी है ना, तुरंत कहीं देखा है पर टट्टी कह दे। 5000 के साड़ी माई पहिर ले बा, अब बेटा ऊपर टट्टी पैखाना कर दे तब नाती का बेटा मारी मारी कबो ना मारी, हंस के धोई देखी ना भर साड़िया खराब कर दे। ई माई के बापे के प्रेम हो, अब वो महतारी बाप के साथ हमने का कैसे रह जाता। कि बाले पन में पिता पुत्र को, मधुबल सिंह थोड़ा ताली भी ज्यादा बरिया रहे, 100 रुपया। अरे ले कान्हे दुलरावे हो, उस दुलार का अंत समय में बेटा मोल चुकावे हो, उस दुलार का अंत समय में बेटा मोल चुकावे हो। माटी की यह काया माटी मर घट पे जल जावे हो, सबसे पहले पुत्र पिता के मुंह पर आग लगावे हो। माई बाप के जरावे खातिर बेटा तैयार बा। हमरा भरत जी एगो गीत गौले रहले, भरत व्यास एगो गीत गौले रहले,
अंजन जी के लिखल गीत कम से कम 100 को हम गाए हैं बाबा जान रहे हैं। रेडियो पर जब हमारा प्रोग्राम होता था ना, अमही बांके रोरा बगल में बास सोनरिया के बगल में अंजन जी के घर पर हम कई बार कितने बार गए हैं। इनके दो लड़के हैं तो लोग मास्टर हो गए हैं, शायद चार हैं, तीन बच्चे हैं। तो बाबा जहिया लेखनी शुरू कर लिया हमारे बचपना रहल, उस समय में बहुत गीत लिखले। भरत जी एगो गीत गाते लड़ले बिना चोरी से, बड़ा बवाल भइल रहे मेरे, हम आई नलियों में पहले मेला वाला वहां रखता था। भरत जी के गावल गीत है जौन दू लाइन हम सुनावे जाता नहीं। जियते न बात पूछे, जियते न बात पूछे, अरे कौनू रे परानी, अमुते दिया तबा पिपरवो के पानी, अमुते दिया तबा पिपरवो के पानी, अमुते दिया तबा पिपरवो के पानी। जियते न बात पूछे, जियते न बात पूछे, कौनु रे परानी, मुते दिया तबा पिपरवो के पानी। रामा सरे यादव जिनकी माध्यम से ही प्रोग्राम लगल बा, 101 रुपया। पाकिट में दाम तबले, बड़ा सुंदर भाव है, गौर करिए। पाकिट में दाम तबले, 100 गो संघाती, कुल परिवार ही तो मीत बेटा नाती, कुल परिवार ही तो मीत बेटा नाती, कुल परिवार ही तो मीत बेटा नाती। पाकिट में दाम तबले, आरे 100 गो संघाती हो, 100 गो संघाती, कुल परिवार ही तो मित बेटा नाती, कुल परिवार ही तो मित बेटा नाती। मेहरी मरद के जाने, राम भरोसा सिंह 200, बीरन सिंह 100 रुपया। मेहरी मरद के जाने, मेहरी मरद के जाने, जब ले बा जवानी, मुते दिया तबा पिपरवो के पानी, कौनो रे परानी, मुते दिया तबा पिपरवो के पानी, मुते दिया तबा पिपरवो के पानी, मुते दिया तबा पिपरवो के पानी। बतिया समझ ली हाँ, जियते न बात पूछे कौनो रे परानी, अमुते दिया ता पिपरो के। बेटा बंबई में नौकरी करता, 10 बरिस से बा
कबो मोबाइल से नहीं कहता तनी माइयो के मोबाइल दे दा तनी बतिया ली आ मेहरारू सरोज बतियावता बड़ी के बात नहीं हम अपने यहाँ के कहता नहीं एजू के लड़का तो चैंपियन बटले बाड़े अब बुझे वाला सब बुझते है नारी के खाना और साड़ी हजार बा आ जे नौ महीना ढोलो के लुगरी मोहाल बा मेहरी के कहले पर माई के मारे खातिर बेटा लाठी लेके तैयार बा आ कलजुग के बाबू लोग के ध्यान धरम आई हो कि ये जुग के बेटा लोग के यह व्यवहार बा हम बाहरी बात नहीं बोल रहे हैं आपकी बात बोल रहे हैं जो गांव में हो रहा है ईमानदारी से बोलिएगा इस गांव पर ही है कि नहीं है नहीं है 99% है कोई कह नहीं सकता है कि बाबा नहीं है हम रामायण बोल रहे हैं रामायण की कथा अच्छा बताइए घर घर में महाभारत होता कि रामायण नहीं बोलो क्यों नहीं बोली बोरी के लोग बतावे घर घर में महाभारत चलता कि रामायण केहू जन भूला के ना बोल दिया रामायण बेटा बापे के इज्जत ना करता कब 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 ठोठा पकड़ ली कहो भाई भाई से बोले चल नहीं बाबू जतन है पड़ते जतन है पड़ नहीं बुझाता देवरान जेठान में पटरिया नहीं बा मुंह तोप के उहेरना जाती है तो उहेरना जाती है तोरे विपद ये महाभारत है रामायण में किसी का बोल चाल बंद नहीं हुआ है दशरथ जी मर गए केकई ने वरदान मांग दिया कुल हो गया लेकिन किसी से बोल चाल बंद नहीं हुआ महाराज एक बात और उत्तर देंगे आप केकई निंदनीय है कि वंदनीय है नहीं बोलोगे केकई निंदनीय है कि वंदनीय है तिवारी जी कह रहे हैं कि केकई वंदनीय है मैं भी मानता हूं आध्यात्म के रूप से देखा जाए तो केकई ने जो किया है ना कोई माता कर नहीं पाएगी लेकिन आप बताओ वंदनीय आदमी का नाम धरती पर रखा जाता है कि नहीं ईमानदारी से बोलना ये त्रेता की कथा है और ये चल रहा है कलयुग त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग आज तक बताइए कोई अपनी लड़की का नाम केकई रखा है सुनाइल बहो केकई अच्छा तो केकई नाम न रखाइल बढ़िया बा अच्छा तो कोनो गांव में मंथरो नाव धराइल बा अच्छा तो मंथरा नाव नाई बा लेकिन मंथरा के चालू बा कि ना अब चलुयो नहीं खाए कोई दलो ना ये तर हिला दो ए में कोई जना बैठल हो जले 20 घरे ओडेर ना आई दी हे में सहो में हो में सहो में लगा ना दी तब तो उनका चाय ना घोटाई मंथरा नहीं है तो का है मंथरा नाम नहीं है लेकिन मंथरा का चाल है आप लोग रामायण सुन रहे हो सरस्वती के लग देखिए भगवान का वनवास हुआ है केकई के कहने से नहीं ये राम की इच्छा में केकई ने अपनी इच्छा मिला दिया राम जो चाहे थे शोक माता केकई ने किया है 1% केकई का दोष नहीं है सरस्वती से देवता लोग कहले तो सरस्वती भी कही है कि ऊंच निवास नीच कर तूती ऊंचा पद पाने के बाद भी आप लोगों का विचार गंदा है इतना बड़ा पद मुझे मिला है और हमारे दिमाग में गंदगी हो तो ये कथा कोई काम करेगी कोई काम नहीं करेगी पहले बदलना होगा वीरेंद्र अपने को बदल जाए पहले बोलो सच्चे दरबार की जय कथा तो ये जू आयल बा भरत जी पिताजी के दास संस्कार कैले लेकिन वो लय बजा दी हके करे हीरो ले अरे के करा हीरो वाले नदिया बढ़ी आईली आ के करा हीरो वाले तालाब हो के करा हीरो वाले धोती के खूंट भी जले आ के हीरो वेला बर हो मास ए के करा हीरो वाले दोनों टिकट तो तभी जाए
माई के रोवले नदिया बढ़ी आईली, अरे बाबूजी के रोवले तालाब हो। माई के रोवले नदिया बढ़ी आईली, बाबूजी के रोवले तालाब हो। अरे भैया के रोवले धोती के खूंट भिजले, भैया के रोवले धोती के खूंट भिजले, बहिना रोवेली बरहो। सच्चे दरबार की जय। भैया के रोवले धोती के खुट भिजले, बहिना रोवेली बरहो। ये जितनी माताएं बहने बैठी हैं, मर्द लोग तो कबो कबो रोवेला है बाबू। बेटी के विदाई भइल तो बाप रोई है, बेटी के विदाई में बाप रोई है, कोनो ऐसन कष्ट आ जाए तो बाप रोई है, लेकिन बेटी मई के लग बात तबो रोई, कबो भौजाई के बात, कबो परिवार के बाद। पिता के दाह संस्कार कह दिले, आ दाह संस्कार कैला के बाद भरत जी कहले अयोध्या ना रह, अयोध्या ना रह। वशिष्ठ जी कहले का है, भरत जी कहले जहां लिखल बा कि जहां संत तहां तीर्थ वासु, आ जहां राम तहां अवध निवासु, जौने जगह पर रामे ने खेत अयोध्या को कौड़ी के बच गई। अच्छा कौनो गांव में निमन आदमी गौर से सुने। वशिष्ठ जी कहले का करबा भरत, भरत कहले कि अब चल तनी हम राम जी से मिले, भैया राम से मिले चल तनी हम। आ जब भरत चले लगले तो कौशल्या कली हमऊ चल, तारा साथे हमऊ चल। कौशल्या के कहले माता श्री तो हूं चल। सुमित्रा कली कि भरत तारा साथे हमऊ चल, कहले तो हूं चल। के कई कली भरत तारा साथे हमऊ चल। भरत कहले ना तू अयोध्या के महारानी हो, तहके उपदेश ना दे, तू अयोध्या के राजगद्दी रखौले रह। तहके ना के कई कली हम तो हरमाई है चल। महतारी के कथा चला था बेटा के, तनी गौर से सुनब कथा में का बा। बोलो सच्चे दरबार की जय। सीताराम बढ़ जाइए, आप लोग बढ़ जाइए। जो अपराध भक्त पर करे ही, राम रोष पावक ते जरे ही। बोल दी भरत लाल महाराज की। सगरी देवता लोग के गुरु बृहस्पति महाराज हैं, कहली कि ए इंद्र कान खोल के सुन लो, जौना व्यवस्था में अल बड़ी व्यवस्था ठीक ना बा। सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव, अनिज अपराध रिसानन काहू। भगवान के स्वभाव का हो, भगवान के गारी देवा बर्दाश्त करी है, भगवान के टेढ़ बोलवा बर्दाश्त करी है, भगवान को उचित अनुचित बोलोगे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन एक चीज परमात्मा बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्या? जो अपराध भक्त पर करई और राम रोष पावक ते, भगवान के भक्त के ऊपर अंगुरी उठाई बा तो अग्नि से तेज हमें जरा के मुंह दी है। हमारे भरत जी साधु हैं, साधु। अच्छा साधु के ऊपर कोनो उल्टा वार होक है तो गांव में आग लागी कि ना? ना लागी। लंका कैसे जरल? लंका साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, अजर ही नगर अनाथ कर। लंका धू धू को के जल गल, केकर अपमान भइल है बाबू विभीषण के। बरी में अब साधुओं की कमी नहीं है, चंदन का नाम साधु नहीं है,
ये माला का नाम साधु नहीं है, लाल पीला पहनने के नाम साधु नहीं है। अगर विचार बदल गया तो आप साधु हो। साधु बनने में का नाम बाजी बाबू ननिया दो ना कहते बानी बाबू ननिया तो थोड़ा ताली बजा बरिया रहे हो यादव जी के दान आई लो भैन वाक के बीस घर बा अगर बीस घर से 100-100 रुपया जाए तो जानम बहुत हो गए तनि कमो आई तो का करब सबूरे करो है जी बोलो ले बते तो देबे करी बरी के लोग इना सोची कि वीरेंद्र बाबा को ऐसा मैं नहीं अन्यथा नहीं लेंगे आप सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ और निज अपराध रिशानन काऊ जो अपराध भक्त पर करई और राम रोष पावक ते जरई कभी साधु संत का मजाक न बनाओ। एगो चेला हमार बनल है दादा पौरुए का बात हो कंठी माला दे दिली आ माला लेके गई मौगी रोटी बेलत रहे आ गैल है तर खोद तना सुन तड़ू वीरेंद्र बाबा के चेला बन गई माला पहिर लेली फिर खोदला और रोटी बेलत या तावा पर डारत या फुलावत या कल सरे माला छवा साधु बन गेले खोदल करतले एकदम खोदल करतले आ देखत रहे रोटी जरता एक बेर खोदला दू बेर तीसरा बेर चौथा बेर बेलना उठा के 10 बेलना न कवे पर मरल खून खून हो गई माला तुर के फेंक देना ले ले इला कहना बाबा हई माला ले ली हम कहनी का भइल आ त मेहरारू मार के मुंह फोड़ देहल कहनी काहे आ तो 5 बेर खोदली है ओई खातिर हम कहनी अरे माले छवा जे साधु बन ले त खुद खुद बतिया वाला रे हां साधु खुद खुद बतियाई हैं साधु वैसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव आ सार सार को गही रहे थोथा देव साधु का विचार निर्मल होना चाहिए। निवेदन करेंगे हमारे भरत जी साधु हैं सब विधि भरत सराहन जोगू भरत जी के सामने पूरे मानस में कोई सूत्र नहीं है बोलने का मेरा अधिकार नहीं है लेकिन रउराई अंजन जी के लिखल गीत दू लाइन हम गावता नहीं भरत जी चले लगले तो सारा देवता लोग उनका साथे लाग गए सारा देवता लोग लग गई ले आई है वीरेंद्र बाबा गौले एगेती के हम रेडियो पर गा चुकल लली हां कि जब जब याद आई भाई के दुलार तो हरा जब जब याद काटे धाई आंगना तब तब काटे धाई आंगना दुआर तोहरा जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा मैया कोरा में खेलवली एक दिन बोरा में झूलवली मैया कोरा में खेलवली एक दिन बोरा में झूलवली ए रामा सरे यादव तंतार भी ज्यादा बढ़िया रे मैया कोरा में खेलवली एक दिन बोरा में झूलवली मैया कोरा में सपना बाबूजी के एक हमरा बबुआ होई है नेक सपना बाबूजी के एक हमरा बबुआ होई है नेक मैया बाबूजी के सेवल लैया एक साथ के खेवल मैया बाबूजी के सेवल लैया एक साथ के खेवल रही जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा तब तब काटे धाई आंगना तब तब काटे धाई आंगना दुआर तोहरा जब जब याद आई भाई के दुआर तोहरा।
जौन साउंड चल रहा बा दुर्गा मैया जितना में बा एक तीन गुना सो बढ़िया 101 रुपया इके करबा। हरकेश सिंह अगले भैया 50 रुपया चल निम्न रह। असल में देखब एगो बात बा एगो गांव पर जन रहा दान चौन मर्दा के नाम रहे दान चौन आ मेहराऊ रहे धर्मात्मा तो मौगी कबो पूजा पाठ में आगे रहल पैर बटोर लो पैर पैर लेकिन मर्दा रहे बड़ा मकचूस माइजर मौगी कहे चल ना वीरेंद्र बाबा बड़ा कथा होता तो कहने कथा में जाए तो अब तो 200 रुपया देवे पड़ी कैसे दिया आई मौगी कलश कबो दान ना करब कहले ना मौगी कलश कथा सुन लग घरे सत्यनारायण भगवान के 100 रुपया में हो जाई कहले उहो ना सुनब आरती में देवे पड़ी ठाकुर जी के देवही पर पैसा ना लगी मौगी कलश एगो काम करो ना नहान लगल बजा के नहाय आव कहले नहाय जाए तो जो पंडा लोग पैसा ले अपन अपन बाछी बहले वालो झंडा टंगले वालो चपलवा निकालो तब वो पैसा ले लेस मौगी कहले तारा गोड़े पर गिर तनी जाके नहावा कम से कम अबो तो पवित्र हो जाए मल छऊ हाँ तज गईला कहले जा तबानी लेकिन वो काम करो 1 रुपया दी हो मौत मौगी कहले बिना पैसा के जाइब बाछी छुअब कहले ना दान पुण्य करब त ना मौगी कहले तब का करे अगर आइल बड़ा जा तड़ कहले जा तनी पानी में नहा के चली आई मैल धो दे कहले से मौगी जाए अबो से तार बुद्धि बदले गैला गंगा जी के घाटे पर 100 गो झंडा टंगाइल बा खिलावन पंडा ललका झंडा सुधीर पंडा पियर का झंडा बोध पंडा करिका झंडा सब अपन अपन झंडा टंगले बालो कहले दादा एजू तो चप्पलो निकाल तब वो पैसा ली है सो एजू नहाई भी नहाई चल तनी मुर्दा घटिए पर नहा ले जे हमनी के लसिया फूकल जाला जो नहाइल नहीं जाला लम्बे जाके नहाइल जाला हाँ तब मुर्दा घाटी पर गैला नहाए 100 गो लाश जरत रहे धोती कुर्ता निकाल दहले अंडर बियर पहिर के गईले आ जे पानी में ढुकले कहले जय हो गंगा मैया तब ले भगवान पंडा बन के ओमे प्रगट हो गईले कहले जय हो जजमान कहले दादा कहाँ से ई आ गई अब तई कुछ लेबे करी पंडा बाबा कहले हमार मेन घाट हो आ एके गो जजमान आ जाला साल भर के खर्चा बोलवा देला कहला नीक पकड़ा गो है तो उन्हें कमारे पैसा कमारे तो एजू न होई ली हो पंडा बाबा कहले साल भर के खर्चा बोलवा बो कहले ना बोलवाए कहले 6 महीना के बोलवाए कहले ना 3 महीना के बोलवाए तो कहले ना पंडा बाबा कहले 500 रुपया बोलवाए तो कहले ना कहले 200 बोलवाए तो कहले ना कहले 100 रुपया बोलवा ले तोर छुट्टी कहले 5 रुपया उधारे संकल्प कह दो रुपया बोरी के लोग ता ताकि हमरा हो कौ रुपया देता रहे वो उधार है गंगा जल ले के पंडा बाबा संकल्प कह दिले जहिया हो तहिया पैसा दे दे 5 रुपया संकल्प संकल्प करा के गैला मेहरारू कहल चल खा लब तहा अल कहले खाई नाई अत का है अत 5 रुपया उधार संकल्प को अल रात भर खोल सीना 5 रुपया खातिर राति के सुतल है सुबेरे उठल तो पंडा बाबा आइए गोइले कहला जय हो जजमान मौगी कलश पंडा बाबा के कुछ कहले बड़ा देवे के आ तो 5 रुपया तो कहले बनी अजू आगल का रे बाबा मौगी कलश अब का कही हम का कही कहले ओ कार कर ना खड़ा को के जो जाते कदी एरो रो नहा कहले तब से बीमार पड़ल बड़े रजाई ओढ़ के सुतल बना जहिया नीक हो तहिया दे दी है गोइले तक कहले गोइलस त मौगी कहले से रो पंडा बाबा बीमार बनाइला नहा के आ जहिया नीक होइ है तहिया दिया जाई रो घबराई मौत कहियो दिया जाई त जब भगवान कहले जब हमार जजमान बीमार बा त बीमारे छोड़ के चल जाई अब नीक हो जाई है तब जाई मौगी कहले से रो त कहता ना नीक हो जाई है तब जाई कहले तब त भट्ठा बैठा दी रे हरे 10 दिन रह के खाई त 5 रुपया खाई ये कार कर झोटा खोल ले आ छाती पिटते चिल्लाते रोते जो आ जाते हड़ाक दे कोई दे बीमार तरबे के लबैन के परनवा निकल गल मौगी कहले जियते बड़ा दोगलौ जाके कहीं मर गइल न चुपैल कहले जइबे कि ना वो रहे न खड़ाई ओ त चिल्लाते गले अरे हमार राजाऊ हो राजाऊ अरे बाप अरे भाई भगवान कहले का भइल आ तेरो बीमार लबैन के परनवा निकल गल
भगवान कहले जब हमार जजमान मर गईल तो फूक ताप के तब्बे जाइबी हो। सुनाता बतिया थैलिया में जे मीसा था ओके कहता नहीं रगड़ा ताकि दे कि ना दे तो ध्यान से सुनी है। ड्रामा ऑर्केस्ट्रा नहीं है ना। भगवान कहे जब हमार जजमान मर गल तो फूंक जरा के जाए बर गांव घूमले चैली लकड़ी ले चलो दानचन मर गई पूरा गांव के चैली आगल लकड़ी आगल बांस कटा गई टिकटी बन गई कफन में लपेटल लोग आई दम सधले आ जब कफन उठावल लोग जब टिकटी तो मऊगी कलश मरल नहीं बड़ा हो दादा तो लोग कहले मर जाला तो यही तरह सुबह वाला मर गई ला अब जियते के फूके ले जाता लोग घाटे पर ले गए लोग चीता सजा दिए लोग आ जब चीता पर चढ़ले तो भगवान कहले हमार जजमान हो पहले काने में करे मंत्र देवे दे लोग भगवान काने पर जाके सटौले मुंह कफन से बांधल बा कहले आया हूँ बैकुंठ से कुछ तू मुंह से बोल मैं बैकुंठ से आया हूँ तो कहले भगवान आ गए का धीरे धीरे कफनवा उठा के तकलस आ जब देखलस उ पंडा तहुआ के तू पी लेलस यह बबुआ हो जनदनवा करौले भगवान कहले तो के बकाइए के जाए कहले आया हूँ बैकुंठ से कुछ तू मुँह से बोल तो कफनवे में से धीरे से कहता हाथ जोड़ के निवेदन बस सरकार पैसा दी हो छोड़ी 5 गो रुपया छोड़ दे सरकार ठीक ठीक पर से उतर जाई हम का नाम बाहो नथुनी यादव आ गई ले 100 रुपया 5 गो रुपया नाहिए दिहल भगवान हार गईले लवट के चल गईले टिकटी पर चीता पर से सुतल उठ के फिर घर चलिए कहां भराई हो कहां भराई कथा के दक्षिणा होता है कि नहीं नहीं होता है। आप जो सुन रहे हैं इसका दक्षिणा होता है आप दें ना दें तो अलग बात है लेकिन कभी भी कथा में जाओ तो उसका दक्षिणा लेकर जाना चाहिए कि 100 रुपया 50 रुपया 200 रुपया अपने हाथ से हम दान कर देंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय।